हे गाइस वेलकम बैक टू नई वीडियो। दोस्तों कैसे हैं, स्वागत है एक नई वीडियो। डीडी फ्रीडिस के एक ऐसी सेटिंग बताएंगे जो कर लोगे तो बिल्कुल आपको 100% गारंटी देते हैं कि आपके दोस्तों पैसे बच जाएंगे। एमपीजी 2 रिसीवर में डीडी फ्रीडिस होती है, उसमें भाई न्यू चैनल को कैसे ऐड किया जाता है बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल फ्री में, एक रुपया आपका दोस्तों नहीं लगने वाला। सिर्फ आपको दोस्तों करना है वीडियो को लास्ट तक देखना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर और प्रेस लगे, जिससे कि आने वाली वीडियो नहीं आपके सबसे पहले दोस्तों मिले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, MPG2 रिसीवर, आपको कुछ भी नहीं आता दोस्तों, और सिर्फ आपको रिमोट की मदद से बिल्कुल आसानी, किसी को डिश लगाने वालों को, डिश इंजीनियर बुलाने को कोई दोस्तों जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके बिल्कुल फ्री में दोस्तों आपको चैनल को लाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले अपना दोस्तों रिमोट क्या, आपको इंग्लिश थोड़ी आना चाहिए, ठीक। मेनू बटन हो गया, चैनल जिसे आप बदलते हैं तो उससे आप दोस्तों कर सकते हैं, आवाज़ कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। न्यू चैनल को लाने के लिए सिर्फ दोस्तों फ्रिक्वेंसी के द्वारा भी चैनल दोस्तों ला सकते हैं, और ऑटो स्कैन करके दोस्तों चैनल ला सकते हैं। तो आज का वीडियो यही है दोस्तों कि किस प्रकार से न्यू चैनल को ऐड किया जाता है। लोग बताते हैं ये डालो, ये फ्रिक्वेंसी डालो, वो फ्रिक्वेंसी डालो, आपको न्यू चैनल, ये चैनल जी सिनेमा मिलेगा, सोनी पल मिलेगा, आपको भाई कलर रिश्ते मिलेगा, चैनल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लाइव प्रूफ आप दोस्तों देखिए। MPG2 रिसीवर में आकर दोस्तों आप लोग लाइव प्रूफ देखिए और अपना रिमोट उठाइए, इसी वक्त दोस्तों रिमोट उठाइए और वीडियो देखते देखते अपने टीवी को ऑन करें, डीडी फ्रीडिस को, और अपने लाइव प्रूफ चैनल को लाइए। सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, आपको रिमोट से सारे चैनल को डिलीट करना। डिलीट करना क्यों करवा रहे, डिलीट इसलिए दोस्तों करवा रहे हैं कि नहीं आपको डबल चैनल मिले। जैसे कि आपको स्कैनिंग मारे, जैसे नेटवर्क होता है मोबाइल में वैसे सर्च करते हैं ना, तो उसी प्रकार उसमें है दोस्तों कि अगर आप दोबारा सर्च स्कैनिंग करेंगे तो आपको डबल चैनल, जैसे जी सिनेमा दोस्तों है तो जी सिनेमा हमारा डबल चैनल हो जाएगा। मान लो एक नंबर पे 45 पे है, दूसरा हमारा हो जाएगा 94 पे, इस प्रकार हो जाएगा। तो डबल चैनल का कोई मतलब दोस्तों नहीं है। इस प्रकार दोस्तों आपको एक बार स्कैन सारे चैनल को डिलीट ऑल करना है, टीवी चैनल को लिस्ट डिलीट करना, और रेडियो चैनल को लिस्ट जरूर वीडियो को यानी काट देना है। आपको करना दोस्तों सिर्फ वीडियो को डिलीट करने के बाद सिर्फ स्कैनिंग करना, ऑटो स्कैन करना। किस प्रकार दोस्तों करते हैं तो आगे में वीडियो देखकर बताया किस प्रकार दोस्तों कर सकते हैं। पहले आपको दिखाते हैं किस प्रकार से भाई ऑटो स्कैन करके चैनल को आप लोग दोस्तों लाते होंगे, लेकिन आज के वीडियो में बात करेंगे फ्रिक्वेंसी के माध्यम से हम चैनल को लाना आपको सिखाएंगे। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कैसे डालते हैं, कहाँ पर डालते हैं, और क्या तरीका है जिससे कि भाई हमको चैनल मिल जाएगा। फ्रिक्वेंसी आपको लास्ट तक देखिएगा तो आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको समझाएंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, मेनू बटन है, मेनू बटन दबाएंगे, इस प्रकार दोस्तों खुल जाए। सबसे पहले तो हमने भाई रेडियो चैनल पर लगा रखा है, उसके बाद आ जाएंगे तो फाइनली हमारा इस प्रकार दोस्तों रहता है, ठीक है। ऐसे मेनू बटन दबाते हैं, मेनू बटन दबाने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है यहाँ पर प्रोग्राम सेटअप में। प्रोग्राम सेटअप में आएंगे तो एक बार ऐड न्यू प्रोग्राम पे आ जाएंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले चैनल को डिलीट कर लेते हैं। चैनल डिलीट करने के लिए मेनू बटन प्रेस करेंगे, मेनू बटन प्रेस करने के बाद दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ प्रोग्राम एडिट पे, डिलीट प्रोग्राम दिखा है दोस्तों, हम इस सबको चैनल को डिलीट करना है तो इसके लिए ओके करेंगे। यहाँ पर श्योर टू डिलीट ऑल प्रोग्राम, यानी सभी चैनल दोस्तों हमारे डिलीट हो चुके हैं। नो टीवी प्रोग्राम दोस्तों, अगर आपको अगर टीवी में ऐसे नो टीवी प्रोग्राम दिखा रहा है तो दोस्तों आपको छतरी को दोस्तों बिल्कुल नहीं हिलाना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको पैसे पड़ सकते हैं, ठीक है। सबसे आप बैक आ जाएंगे, रेडियो चैनल को भी हम डिलीट दोस्तों कर लेते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने टीवी चैनल इसको डिलीट किया, उसी प्रकार ये प्रोग्राम एडिट में आने के बाद डिलीट ऑल प्रोग्राम दोस्तों हम कर देंगे। करने के बाद हम टीवी चैनल लिस्ट में आ जाएंगे, उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे कहाँ पर, अब मेन तरीका यही है दोस्तों सीखने का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेनू बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे प्रोग्राम सेटअप पे। प्रोग्राम सेटअप में आने के बाद ओके बटन दबाएंगे, ऐड न्यू प्रोग्राम में आएंगे दोस्तों, ऑटो स्कैन आज नहीं करेंगे। पैरामीटर सेटअप क्या होता है, एडिट एलिमेंट फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ऑटो स्कैन क्या होता है वो बाद में बताएंगे, लेकिन ऐड न्यू प्रोग्राम में आपको फ्रिक्वेंसी डालना दोस्तों सिखाते हैं। दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ पर हम फ्रिक्वेंसी डालेंगे तो हम क्या डालेंगे, 0 97 50, ठीक दोस्तों 0 97 50 दोस्तों हमारा पड़ गया LNB 2 फ्रिक्वेंसी है दोस्तों, यही हम डाल देंगे 0 97 50। उसके TP ट्रांसफर फ्रिक्वेंसी दोस्तों हमारी रहेगी 11 090। हमारा सैम्बल रेट दोस्तों रहेगा 29,500, और हमारा पोलरिटी जो पोलर लिखा है दोस्तों, पोलरिटी हमारे V रहेगी,
ठीक। देखो दोस्तों सिग्नल हमको मिल चुका है, 22 के हमारा ऑफ रहेगा, डिस्क ऑफ रहेगा, स्कैन मोड बिल्कुल फ्री रहेगा। तो दोस्तों अगर जैसे ही हम ओके करेंगे, ओके करने पर रिमोट दोस्तों आप लोग देखिए ये रहा ओके बटन, हम प्रेस करेंगे तो इस चैनल के फ्रिक्वेंसी दोस्तों हमारे आ चुके हैं 18 चैनल दोस्तों हमको बिल्कुल लाइव रूम मिल चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज दोस्तों क्या, सेकेंड फ्रिक्वेंसी दोस्तों हम डालेंगे यहाँ पर टीपी फ्रिक्वेंसी में डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर डाल देंगे 11550। दोस्तों देख सकते हो कि हमारा सेकेंड फ्रिक्वेंसी में भी हमारा सिग्नल क्वालिटी आ चुकी, तो ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हमको 18-20 चैनल मिल चुके हैं, उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों फिर हम भी यहीं पर आ जाएंगे टीपी में। ठीक है, यहाँ पर 11570 कर देना है। दोस्तों देखिए लाइव प्रूफ आपको दिखा रहे हैं कि इस फ्रिक्वेंसी को डालते हैं तो आपको भाई चैनल जरूर मिलेगा। ओके बटन दबा देते हैं। ओके बटन दबाने के बाद इस फ्रिक्वेंसी दोस्तों हमारे चैनल मिल चुके हैं, अभी तक हमारे 56 चैनल हो चुके हैं दोस्तों। ठीक, ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे, अब न्यू फ्रिक्वेंसी रहेगी आपके यहाँ पर 70 कर देंगे दोस्तों। ठीक है, 11470 करेंगे, 29500, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ओके कर देंगे दोस्तों। ओके करने के बाद हमारा बिल्कुल 74 चैनल हो चुके हैं, 18 चैनल हमको दोस्तों इसमें मिले। न्यू फ्रिक्वेंसी अगर नहीं काम करती है तो भाई आपको बिल्कुल करेगी, जब यहाँ पर आपको बता रहे हैं तो, वरना तो करना ही पड़ेगा भाई आपको। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी डालेंगे 11510। देखते हैं इसमें सिग्नल, देखो लाइव प्रो आप लोग देखे यार, बिल्कुल सही तरीका आपको बताते हैं आप लोग, यार कहते हो हमको मिलता नहीं है, तो आप लोग करके देखिए आपको समझ दोस्तों आएगा। ठीक है, 94 चैनल हो चुका है। अब एक फ्रिक्वेंसी दोस्तों और डालते हैं, 11550 के हमने डाला था। ठीक है, सिग्नल क्वालिटी आ भी चुकी। अब हॉरिजॉन्टल का देखते हैं, हॉरिजॉन्टल हमको सिग्नल दोस्तों मिलता है नहीं मिलता, देख सकते हो हमारा हॉरिजॉन्टल का दोस्तों नहीं मिलता है, मिला हुआ है। ठीक, तो क्या करें, 94 चैनल दोस्तों था, आपको लाइव प्रूफ देखा 94 है भी नहीं। आप लोग देखे स्टार उत्सव मूवीज का हमारा दोस्तों है पूरा लाइव प्रूफ चैनल आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, फाइनली दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना है, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, हम वीडियो कैसा बनाते हैं, आपको अच्छा लगता है दोस्तों नहीं लगता है, अपनी डीटीएस को भाई कोई भी प्रॉब्लम है हमारा मोबाइल नंबर दोस्तों ले सकते हैं, और वीडियो कॉल करके अपनी समस्या का समाधान दोस्तों कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल गाइस, जीरो फैमिली, थैंक यू सो मच।